now it is not a renewable resource because of all human activities. So here you can see that, can we say that water is a renewable resource? No. So these are the factors which I have explained to you yesterday, and these are the very basic factors which suppose if a question comes in your examination, like what are the factors of industrial pollution, then you have to write proper answer at you know of the class 10th level. You're not going to write childish answers like for because of you know washing clothes, because of you know bathing in the river bodies pollution is you know causing. जो है पॉल्यूशन हो रहा है, सो यू हैव टू राइट प्रॉपर आंसर. लाइक फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड इज बिकॉज ऑफ इंटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चर, देन ओवर पॉपुलेशन एंड चेंज इन द क्लाइमेट विच इज कॉजिंग लेस रेनफॉल. So in this slide, you can see that India is a monsoon country. Still, we are facing number of you know water scarcity. Why? Because of growing population. Then these are the problems, and then I had showed you these ancient structures which were built by our ancient rulers in India to maintain you know water security for the people at that time, and these are still in use. So you can see that उस समय technology नहीं थी, but you know जो भी limited उनके पास resources थे उससे उन्होंने जो है कितनी बेहतर technology create की है. तो ये सब hydraulic structures मैंने आपको बताए थे, तो इनको भी आपको पिक्चर के साथ याद रखना है कि ये क्या है. भोपाल लेक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वही है आपका हौजे खास, क्योंकि आप नहीं जानते एग्जाम में किस फॉर्म में आ जाए, कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. कुथाग्रसेन की बावली, ठीक है. हाउ डू डैम्स हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, सो यू नो दैट डैम्स आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पज, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ वी विल कम टू दिस स्लाइड, वॉट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द मॉडर्न डैम्स. So modern dams are now very sophisticated. They are made up of high level of technology. That's why they are multi-purpose in nature. What is multi-purpose? That a single dam serves many functions or many purposes. Like a dam provides irrigation to the field with the help of canals. Then it helps to generate hydroelectricity, hydropower, which is helpful, which is very much helpful in the for the industrial purpose, industrial use. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज वही आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है. देन यू नो मॉडर्न डैम्स दे हेल्प इन द फ्लड कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सेसिव रेनफॉल. रिजर्वॉयर्स दे स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड दे हेल्प टू कंट्रोल द एक्सेस वाटर फ्लो. देन नेक्स्ट इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स जो भी आपके रिजर्वॉयर्स हैं या फिर जो पब्लिक होती है वो डैम देखने के लिए जाती है, या फिर रिजर्वॉयर्स में जो है आपकी बोटिंग होती है, या फिर जो भी चीजें मतलब होती है फॉर यू नो एंजॉयमेंट पर्पज, तो एक रिक्रिएशन का भी एक जरिया है. इनलैंड नेविगेशन, जो बिग डैम्स होते हैं रिजर्वॉयर्स होते हैं उसमें जो है नाव भी चलती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड देन लास्ट इज फिश ब्रीडिंग. फिश ब्रीडिंग इज मत्स्य पालन. रिजर्वॉयर्स में जो है फिश पाला जाता है जिससे बहुत लोगों का जो है इनकम होती है, स्पेशली जो वहाँ के विलेजेस होते हैं. द बिगेस्ट डैम इन इंडिया, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस यू नो पिक्चर, टिहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर. आई होप मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस डैम इन रियलिटी. मैंने भी देखा है जो आपका यहाँ से जो कहाँ पे टिहरी एरिया में जो है हम लोग गए थे एक बार स्कूल की तरफ से ही, तो हमने वहाँ पे ये जो है डैम देखा था, और ये बहुत ही अच्छा एक जो है एक मतलब की बहुत ही बड़ा डैम है और बहुत अच्छा लगा देख के. तो आपको कभी मौका मिले तो आप इसको देखने के लिए जा सकते हैं. देन हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भाखड़ा नंगल ऑन सतलुज रिवर. आई हैव सीन दिस डैम आल्सो, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स. और मतलब सोचो कि अगर ये टूट जाए तो पूरा पंजाब से लेके हरियाणा से सब इसमें जो है डूब जाएगा. देन दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुड ऑन महानदी रिवर, ओरिसा में है. नाउ व्हाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी. कॉन्ट्रोवर्सी मतलब क्या होता है कि मतलब ये वैसे तो हमारे बेनिफिट के लिए है, बट इसके बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं. सो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कि सही है या गलत है. ऑलराइट, सो यू हैव स्टडीड अबाउट द मल्टीपर्पज बेनिफिट्स ऑफ डैम्स. सो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है दैट व्हाई डैम्स आर कॉल्ड एज मल्टीपर्पज. सो यू ऑलरेडी नो, बिकॉज दे प्रोवाइड इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग एंड एनी अदर थिंग इफ यू यू नो जो आपको पता हो. नाउ व्हाट आर द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डैम्स, व्हाई मल्टीपर्पज डैम्स आर अंडर सच ग्रेट स्क्रूटनी. फर्स्ट पॉइंट, regulating and damming of river affect their natural flow,
causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. So first point is, when we control and we regulate the water, suppose a river is flowing in its natural form, all right, and we have built a concrete structure and we have controlled the flow of the river water, हमने पानी control कर लिया है. अब इससे क्या होता है कि सिर्फ नदी में पानी ही नहीं आता है, it also includes sediments, river sand, silt, mud और small pebbles and cobbles, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जब डैम उसको रोक देता है तो क्या होता है, इट कॉजेस सेडिमेंटेशन. जो डैम के इस तरफ का पानी होता है, सपोज अच्छा यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकती हूँ, बट सपोज यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, हमने उस पर डैम बना दिया. अब यहाँ से जो सेडिमेंट आ रहे हैं, जो भी आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जो भी मैंने आपको बताया, तो वो अब आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द डैम, एंड वो उसका एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा नदी के डैम के एक तरफ, और इससे क्या होता है कि वाटर लेवल जो है आपका इंक्रीज हो जाता है और पानी बाहर की तरफ निकल आता है और प्रॉपर जो है पानी का फ्लो नहीं हो पाता है. सो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो. तो जो रिवर एक नेचुरल फॉर्म में जो फ्लो होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और जो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो रिजर्वायर होता है उसके बॉटम में बहुत ज्यादा सिल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, मड और जो आपके सेडिमेंट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पानी ऊपर की तरफ बहने लग जाता है. सो इससे जो है काफी बार रिजर्वायर में ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं. तो जो आपके डैम्स हैं वो फ्लड को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर में क्रैक आ गया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उससे जो है फ्लड्स आ भी सकते हैं, क्योंकि रिजर्वायर अगर फट गया तो क्या होगा, सारा का सारा पानी बाहर बह जाएगा और उससे नियर बाय एरियाज में जो है काफी जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड दिस लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ मेनी कल्चरल और लाइक मेनी plant species and animal species near those, just because yes. dams are made and many forest area is supposed to be cut down to create that reservoir structure, and many villages get flooded down because of the dam construction, and many people are displaced, and when people are displaced many people also die, people suffer for that creation of dams. So already वीना ने सब बता दिया आपको, शी हैज गिवन नंबर ऑफ यू नो नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द डैम, लाइक हाउ इट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, हाउ इट अफेक्ट्स इट लीड्स टू देयर डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल कीरी विलेज इज स्टिल अंडर द वाटर, यस नाउ इट हैज समर्ज अंडर द वाटर, उसकी जगह न्यू टिहरी जो है टाउन क्रिएट कर दिया गया है. सो यू कैन सी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली द प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द पीपल हु लिव नियर दोस यू नो नियर द डैम एरिया. अगर डैम बनाना है तो वो उसे हम अभी अगले पॉइंट में कवर करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, इट लेड्स टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, देन इट कंट्रोल्स द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक फौना. सेम अगर सेडिमेंट पास नहीं हो पाएगा तो एक्वेटिक फौना जो होता है, फौना मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो भी पास नहीं हो पाएंगे, जो आपके फिश हैं या फिर जो भी आपके उसमें एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी जो ब्रीडिंग होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, फिश ब्रीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है. देन इट मेक्स सबमर्जेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, देन इट ऑल्सो कॉजेज एग्जिस्टिंग यू नो इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. वाई? बिकॉज जो पानी होता है उससे जहां भी रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं आप, जंगलों को काटना पड़ता है और या तो पानी के अंदर वो पूरा का पूरा वेजिटेशन सबमर्ज जाता है. देन इट लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, एज वीना सेड दैट नंबर ऑफ पीपल दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर जो फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, लाइक जो नर्मदा रिवर है या फिर आपके टिहरी में आप देख लीजिए, वहां के लोगों को छोड़कर जो है ऋषिकेश में उनको सेटलमेंट किया गया है. ऑल्दो गवर्नमेंट हैज गिवन देम कंपनसेशन, बट इन सम केसेस प्रॉपर कंपनसेशन इज आल्सो नॉट गिवन टू द पुअर पीपल, स्पेशली जो आपके वो लोग होते हैं जो लाइक ट्राइबल पीपल, ठीक है, जंगलों में आप जानते हो मेनली ट्राइबल पीपल उसके आसपास रहते हैं, तो दे आर यू नो दे आर बैडली इफेक्टेड. आपने उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया, उनको लैंड दे दिया, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, बट उनकी आगे की लाइफ नहीं चल पाती, बिकॉज देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्टेड एरिया. सो दे आर डिस्प्लेस्ड, दे आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फ्रॉम दैट प्लेस वेयर डैम इज कंस्ट्रक्टेड. देन इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द नंबर ऑफ यू नो फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज, बिकॉज आप डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों को काट के तब डैम बनाना पड़ता है, तब आप रिजर्वायर बनाते हो, तो इससे जो एग्जिस्टिंग फ्लोरा एंड फौना होता है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं या जो एनिमल लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है.
इट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इरीगेशन. देन आपका सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है. एक आप सोच सकते हैं जब जंगल को काट दिया जाता है तो सॉइल को होल्ड करने के लिए रूट्स नहीं बचते हैं, क्योंकि जब पेड़ ही कट गए तो अब सॉइल को होल्ड कौन करेगा. और जैसे ही आपकी बारिश होती है या रेनफॉल होता या फिर हवा चलती है, तो वही जो आपका सॉइल जो है इरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. देन हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. सो बेसिकली इसमें आपने ये पढ़ा. बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम. ओके. सो नाउ विद दीज यू नो प्रॉब्लम यू कैन सी दैट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द पीपल बाय द लोकल पीपल हु लिव इन दोज एरियाज. दैट्स वाई बिग डैम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स लाइक अ डैम वॉज यू नो मेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर नर्मदा. But it was under very great scrutiny and environmental activists, especially Medha Patnaik का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने काफी ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी. So that's why multi-purpose projects, although they're very important for the development of a country because they are multi-purpose, but at the same time they also affect the people who are living there. They also affect the ecosystem and ecology of that particular area because it leads to deforestation, and deforestation causes loss of flora and fauna. All right, that's why multi-purpose dam, and you can give number of examples like Narmada Valley project is, you know, was very controversial project. इसमें बहुत सारे environmentalists सामने आए कि हम नहीं इसको करने देंगे. Then आपका टिहरी डैम, जो है टिहरी में तो तब भी पीसफुली हो गया, वरना और भी बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंपनसेशन भी सरकार जो है नहीं देती है. Now who are the beneficiaries of multi-purpose projects? The land owners, large farmers, industries, industrialists and urban centers. So, all right, beneficiary कौन होता है, उसका फायदा किसको मिलता है? The land owners, the big land owners, जमींदार जो होते हैं, industrialists होते हैं, because they are investing in the project. अब suppose we have to make a dam, then government जो होती है वो क्या करती है, मंगाती है, होता ना ठेका मंगाती है कि भाई अब कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा, कौन सी कंपनी जो है ये बनाने में जो है गवर्नमेंट को इसमें पैसा लगाई. तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इसमें बेनिफिट होता है. एंड जो फ्यू अर्बन सेंटर्स होते हैं, जो आपके सिटी एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, जहाँ पे पीने का पानी पहुंच रहा है, उन लोगों को फायदा होता है. ना कि जो वहाँ लोकल कम्युनिटीज होती है, दे सफर अलॉट बिकॉज दे लूज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, स्पेशली द ट्राइबल पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्टेड एरियाज. देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, दिस इज वेरी कॉमन इन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लाइक डिफरेंट कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर वाटर, डिफरेंट स्टेट्स आर फाइटिंग फॉर वाटर. बेस्ट एग्जाम्पल इज द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट. इट इज बिटवीन यू नो स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. रिवर कावेरी यू नो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड इट देन फ्लोज इन टू द आपका कर्नाटका से होते हुए इट एंटर्स तमिलनाडु. सो द अपर रीच ऑफ द रिवर लाइज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. अब कर्नाटका ने अगर उस पर डैम बना दिया या तमिलनाडु में पानी कम पहुंचा, तो तमिलनाडु जो है ये क्लेम करता था कि कर्नाटका जो है इट इज कंट्रोलिंग द वाटर ऑफ रिवर कावेरी, दैट्स व्हाई व्हाट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट रीचिंग इन तमिलनाडु एंड दे आर फेसिंग वाटर स्केसिटी. और कर्नाटका कभी कभी जानबूझकर भी करता है, ठीक है. अब उसका अपर में तो अपर रीच में अगर उसने कंट्रोल कर लिया तो वो फिर लोअर रीच में पानी नहीं पहुंचेगा. तो इसकी वजह से काफी डिस्प्यूट होता है बिटवीन यू नो बिकॉज यू नो रिवर रिवर के ऊपर काफी डिस्प्यूट्स हैं. ऐसे आप नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर भी डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र एंड द स्टेट गुजरात. देन इंडस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बिकॉज ओनली रिवर इंडस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर, मानसरोवर ग्लेशियर इन तिब्बत. देन इट एंटर्स इंडिया एंड ओनली वन थर्ड पार्ट ऑफ दिस रिवर लाइज इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इट इज इन पाकिस्तान. So Pakistan claims that because majority of the portion is in Pakistan, so we have the right to use the water of River Indus in majority form. But India ने क्या किया? India को dam बनाना था, उसपे अब कहीं बनाया या ना बनाया, उसपे भी काफी dispute हो गया था. So this matter, you know, Pakistan लेके गया था UNO में. तो UNO ने भी कहा कि India जो है उसका कम ही पानी use करेगा Indus का, because India has other options also like Brahmaputra. You know, this river Ganga tributaries and South Indian rivers. But for Pakistan, only single river is present. That is, or bhi rivers hongi. But the main river is River Indus. So Indus is known as the lifeline of Pakistan. But there was a great dispute between these two countries. Jab bhi jo hai India banane ki koshish hai, always matter goes to the UNO.
वाटर डिस्प्यूट इज अ वेरी बिग डिस्प्यूट, बहुत बार से लड़ाइयाँ हो जाती हैं. डिस्प्यूट्स हैव बीन स्टार्टेड सिंस 1870 बिटवीन सूरत मद्रास प्रेसिडेंसी. तो दिस कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज नॉट अ वेरी मॉडर्न थिंग, इट इज वेरी ओल्ड. यू नो इट वॉज बिटवीन, इट हैज स्टार्टेड इन 1870 ओनली बिटवीन द मैसूर. मैसूर कहाँ है आपका, पहले आपको पता है कर्नाटका को मैसूर ही कहा जाता था. तो मैसूर जो है आपका जो स्टेट था, एंड मद्रास के जो किंग थे उनके बीच में आपस में पानी को लेके लड़ाई हुआ करती थी. देन कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. सो दीज थ्री स्टेट्स आर फाइटिंग फॉर रिवर कृष्णा. जहां जहां वो नदी बहती है उसके वो स्टेट्स आपस में लड़ते हैं. महाराष्ट्र में जो है रिवर कृष्णा का 303 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, कर्नाटका में 480 एंड आंध्र प्रदेश में 517 किलोमीटर. सो ये आंध्र भी ये क्लेम करता है कि मैक्सिमम एरिया मेरे पास है तो मुझे वाटर यूज करना है. अब ये जो है कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, मे बी फ्रॉम महाराष्ट्र, अगेन वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है इसका रिवर कृष्णा का. तो इसका अपर रीच महाराष्ट्र में पड़ जाता है, देन ये कर्नाटका होते हुए तब आंध्र में आती है. तो जो पहले पड़ता है वो यूज कर लेते हैं, देन दे अदर दे स्टार्ट फाइटिंग. देन यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट अमंग यूपी हरियाणा एंड दिल्ली. गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट अमंग महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका एमपी ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. बट ये इतना नहीं है, लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज यू नो मेजर डिस्प्यूट. देन इंटरनेशनल वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, लाइक इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. And I already told you that matter has you know gone to UNO. किसी का माइक ऑन है. कोसी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सो रिवर कोसी जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज एंड देन इट एंटर्स यू नो इंडिया, उत्तर प्रदेश या बिहार में भी, बिहार से शायद इंडिया में आती है. तो इसके ऊपर भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल की हम इसका पानी यूज करेंगे या जो भी है. नेपाल कहता है हमारे से इसका ओरिजिन हो रहा है तो हम इसका ज्यादा पानी यूज करेंगे. देन ब्रह्मपुत्र वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो ब्रह्मपुत्र रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड देयर इट इज नोन एज सेंगपो रिवर. देन इट एंटर्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश इनटू इंडिया एंड सो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द यू नो फॉर द यूज ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया. रिवर इंटरलिंकिंग मीन्स दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन इंडिया. इट मीन्स दैट पेरिनियल रिवर्स should be connected to non-perennial or seasonal rivers. You know that India has two river systems. One is perennial means which gets water throughout the year through melting of glaciers and through rainfall, like Ganga river system, Indus and Brahmaputra. On the other hand, South Indian rivers are basically seasonal in nature because they get water only through rainfall. So if there is scarcity of rainfall or if there is less rainfall, then these rivers, you know, the water level in these rivers remain low. So there is a planning by the Indian government to connect the rivers. Suppose ये rivers है जिसमें बाढ़ आ जाती है, floods आ जाते हैं, पानी excess हो जाता है, तो इन rivers को link किया जाए उन rivers के साथ जो कि seasonal है. तो अगर हम उन्हें link कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो excess पानी होगा वो waste नहीं होगा, वो उन नदियों में चला जाएगा. तो ये आप देख सकते हो कि मानस, संकोच, तिस्ता, गंगा, कोसी, घाघरा, इनको जोड़ने का प्लानिंग है. गंडक गंगा को कनेक्ट करना है. तो दिस इज इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया की रिवर्स को जोड़ा जाए, उनका पानी जो है इधर से उधर ताकि हम ट्रांसफर कर सके जरूरत पड़ने पे. एम ऑफ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सरप्लस टू वाटर डिफिशिएंट एरियाज इन द कंट्री. एज आई सेड देयर आर सर्टेन एरियाज इन इंडिया व्हिच हैव एम्पल अमाउंट ऑफ यू नो देयर रिवर्स बिकॉज दे हैव पेरिनियल रिवर्स लाइक नॉर्थ इंडिया एंड देयर साउथ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ वाटर बिकॉज इट हैज सीजनल रिवर्स. तो इंटरलिंकिंग करने का प्रोजेक्ट है बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस पर्पस. आप सोचो दो नदियों को जोड़ने का काम आसान तो है नहीं, आपको कितना उसमें मतलब कितना मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी. यू हैव टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट. देन इट कैन लीड टू फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ फिजिकल सेटिंग्स. अब आप मान लो एक नदी यहाँ पे बह रही है, एक नदी यहाँ पे, आप उसमें कितना बड़ा डिप्रेशन करोगे, गड्ढा आपको करना पड़ेगा खोद खोद के और दूसरी नदी को जोड़ना पड़ेगा. तो इट कैन क्रिएट न्यू डिसबैलेंस और डिसऑर्डर इन द फिजिकल सेटिंग. देन नेचुरल डिजास्टर्स इससे आ सकते हैं. देन इकोसिस्टम पे, क्योंकि आप नेचुरल सेटिंग से हट के अगर आप कुछ करोगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होगा. आप जगह जगह जंगलों को काटते हुए जाओगे, आप लैंड को डैमेज करोगे, है ना. तो इट कैन कॉज नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. Save water, the world is in your hand. So you already know this. So now your chapter is over.
चिल्ड्रन कैन यू हेयर माई वॉइस? यस मैम, यस अच्छा मैम, मैम अच्छा मेरी अभी आवाज कटी थी ना कि पहले भी कटी थी? मैम आप लेफ्ट हो गए मैं थे। भी आउट आउट हो गई थी ना मैं भी। अरे वो मैंने गलत बटन दबा दिया था, कल भी ऐसे ही हो गया था। ओके okay.